नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस डाउजिंग कोर्स के अंदर। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो थम्स यस कर दें। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो इस कोर्स के अंदर हम जो डाउजिंग का दुनिया है इसके अंदर एंट्री करेंगे और इसके कुछ प्रमुख चीजें सीखेंगे जिसको कि हम डेली लाइफ में यूज करके काफी फायदा उठा सकते हैं। मैं पहले आज आपको इससे रूबरू कराऊंगा कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, और फिर उसके बाद अगर आपके कुछ प्रश्न उत्तर होंगे तो उसके लिए भी हम अग्रसर होंगे। ये देखिए, तो ये जो हमारा 7 डेज का कोर्स है इसके अंदर आज हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करेंगे, देखेंगे डाउजर क्या होता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। उसके बाद कई लोगों ने अभी जैसे पीछे मैसेज करा था कि सर हमारे पास आपने जो रेकमेंड करा था या अदरवाइज कोई डाउजर पड़ा है, ये ठीक है ये नहीं है, हमने ऑर्डर करा हुआ है, आने वाला है, इसको एक दिन लेट कर दीजिए। तो ऐसा जिंदगी में बड़ी बार होता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जब हम कभी किसी पार्टी में गए हुए हैं, तो हमारे पास हमारा पेंडुलम नहीं है, और अगर हमारे पास पेंडुलम नहीं है तो हम क्या करें? तो हमें इतना प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे नंबर 2 पे ही मैं आपको सिखा दूंगा कि हम कहीं पर भी हों और अगर हमने हमारे पास हमारा जो रेगुलर पेंडुलम नहीं है तो हम अपने आप अपना पेंडुलम कितने आसानी से जो भी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं उससे निर्मित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे दिन हम अग्रसर होंगे रिलेशनशिप डाइविंग के अंदर के ऊपर, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि दो बंदे एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं। अगर कंपैटिबल हैं भी और आजकल अगर नहीं बन रही है तो इसका क्या कारण है, इसके ऊपर डिटेल में कैसे एक डाइवर्जर चिंतन करके मनन करके एक एजुकेटेड आंसर तक पहुंच सकता है। फिर इसके बाद डे नंबर 4 पे Please make note of one. Okay. हाँ, So if you have 16 or 61 in your mobile number, it can give you a lot of issues in marriage. My own family members have this number, and you know they are kind of separate. अगर कुछ म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। गिव मी अ सेक, यूजर म्यूटेड। ओके, डे नंबर 4 पे हम हेल्थ डाउजिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि डाउजिंग की दुनिया के अंदर कैसे हम अपनी हेल्थ को नाप सकते हैं और उसके अंदर फायदा उठा सकते हैं, कैसे कंफ्यूजन से क्लैरिटी पे पहुंचा जाता है, चाहे वो डायग्नोसिस हो चाहे वो ट्रीटमेंट प्लान्स हो। इसके अंदर 5वें दिन हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई चीज घूम गुम गई है उसको कैसे ढूंढा जाता है डाउजिंग के माध्यम से, अगर कहीं पे मिनरल्स का डिपॉजिट है वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अगर कहीं कोई लॉस्ट ट्रेजर्स हैं वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद हम जहां पर अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर कोई गड़ा हुआ खजाना तो नहीं है, अगर है तो कैसे ढूंढें। इन सब चीजों पर जो हमारा मनन है ये हमारा 5वें दिन होगा। 6ठे दिन जिन लोगों ने एग्जाम के लिए अपने आप को एनरोल कराया उनका एक छोटा सा एग्जाम होगा, और 7वें दिन हम चर्चा करेंगे ऐसी चीजों पे जो हमने इस कोर्स में तो नहीं करी पर आगे बहुत सारे डाउजर्स ने जो पिछले 200 साल से डाउजिंग कर रहे हैं उन्होंने जो हमारे को प्रदान किया वो कैसे करा जा सकता है। इन कुछ चीजों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, तो इस तरह से हम 7 दिन कवर करेंगे। अब देखिए डाउजिंग क्या है, लोगों के मन में ये आता है तो ये एक सेकंड इसको, तो एक जगत तो वो है जो आपको दिखता है और एक जगत वो है जो आपको नहीं दिखता है। डाउजिंग का मतलब है उस जगत में प्रवेश जो आप नहीं देख पा रहे हैं। कहते हैं कि माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, और ये आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये भी एक बर्फ का पहाड़ ही है।
अब ये जो बर्फ का पहाड़ है, इसमें से कुछ हिस्सा हम देख पा रहे हैं जो उसकी चोटी पर है, पर जो चोटी पर नहीं है और नीचे बर्फ है वो हमारे को दिखती नहीं है। लेकिन आइसबर्ग जितना होता है उसका सिर्फ 1/9 ही दिख पाता है, बाकी अदृश्य होता है जो उसके नीचे होता है। ऐसे ही जो हमें पता है कि हमें पता है वो बहुत कम है, और जो हमें नहीं पता कि हमें पता है वो बहुत ज्यादा है, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि आपने जब आप 4 साल के थे तो किस तरह के कपड़े पहने थे, आप नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछा जाए कि पिछले साल इन्हीं दिनों आपने क्या ब्रेकफास्ट किया था, तो आप शायद याद नहीं, याददाश्त आपकी इतनी तेज नहीं होगी कि आप ये भी अच्छे से बता पाए। पर एक साइकोलॉजिस्ट जब आपको रिग्रेशन के थ्रू पीछे लेके जाता है टाइम के अंदर, तो वो सारी बातें भी आप बता पाते हैं। आपको भी ताज्जुब होता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे ये भी पता था। तो डाउजिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसे दुनिया में कदम है जहां पे हम उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे को नहीं पता। जो हमें पता है उसको छोड़कर, और जो कि बहुत कम है। जब भी हमें इन चीजों के सहारा लेना हो, जो चीजें हमें नहीं पता, तो इसके लिए डाउजिंग की कला सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके अंदर करा क्या जाए, इससे हमें पता चलता कैसे है, क्या है जो पर्दे के पीछे है, जिसको जानने से हम उन चीजों के बारे में पता लगा लेते हैं जो प्रायः हमें दिखती नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं लॉगिंग ऑन टू दी नॉन लोकल इंटेलिजेंस। बड़ी सारी सभ्यता आई, उन्होंने अपने शिखर को छुआ और शिखर को छू के सभ्यताएं चली गई। सो सिविलाइजेशंस हैव टर्न्ड इनटू सिमेट्रीज एंड सिमेट्रीज हैव टर्न्ड इनटू सिविलाइजेशंस। द पॉइंट इज, जो आज हमें पता है, जो हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा है, क्या यही वाक्य में हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पता होना था? और पता होने की कोई लिमिट तो है नहीं। आप आज पूरी जिंदगी भी पढ़ते रहें तो भी जितना कुछ साइंस ने पता लगाया है अपनी अलग अलग ब्रांचेस में, उतना नहीं पढ़ पाइएगा। इसका मतलब ये कि नॉलेज को जानने के लिए जो समय लगता है वो सीमित है, वो सीमित है आपके पास, और नॉलेज असीमित है। इस असीमित चीज को सीमा के अंदर नहीं पाया जा सकता। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो आज साइंस को नहीं पता। आज का मानव जो सोचता है कि शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने इस चीज को डिस्कवर करा है, उसको जान के ताज्जुब होता है। जब पुराने ग्रंथ मिलते हैं, चाहे हमारी सिविलाइजेशन के, चाहे यूनानी सभ्यता के, या और कोई पुरानी सभ्यताओं के, जिसके अंदर इसी प्रकार की चीजें और इससे भी एडवांस चीजें मेंशन होती हैं, दिक्कत होती है। तो डिस्कवरीज होती हैं, डिस्कवरीज खो जाती हैं, फिर डिस्कवरीज होती हैं, फिर उस सिविलाइजेशन के एंड के साथ वो डिस्कवरीज खो जाती हैं, और हमारी जानने की सीमा है। इसलिए बुद्धि बल का प्रयोग एक सीमा के दायरे में ही किया जा सकता है। बुद्धि बल एक बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, जिसको बोलते हैं KEN, केन। केन का मतलब होता है आपकी समझ का दायरा, और आपकी समझ का दायरा आपकी नॉलेज पर निर्भर करता है, और आपकी नॉलेज जो आपने स्टडी करा है और जो आपके पेरेंट्स ने और जो आपके कलीग्स ने समझाया है उस पर डिपेंड करती है। पर क्या आपकी जो समझ का दायरा है वो सब कुछ समेटे हुए है, जो कुछ भी दुनिया में जानने लायक है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो बताया ही कि समय हमारे पास कम है और जानने के लिए जो चीजें हैं वो अनंत हैं। तो हमारे को कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसको जब हम चाहें
तब हम वो पालें जो हम पाना चाहते हैं। हमें ऐसी जादुई छड़ी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे पहले एक चीज को समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लीजिए हम एक ड्राइवर हैं और हमें, जैसे मैं दिल्ली से इस टाइम बोल रहा हूं, और हम सपोज कर लें कि दिल्ली में हैं और पिछले 20 साल से हम ड्राइविंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमें दिल्ली का कूचा कूचा, हमें दिल्ली की सड़क गली सब पता है। आज हम दिल्ली छोड़ के और चले जाते हैं बॉम्बे। बॉम्बे में हमें रास्ते नहीं पता, हमें डगर डगर पे पूछना पड़ेगा कि अब मुझे रास्ता बताइए। कोई हमें मैप भी दे दे तो हम कितने मैप्स याद करें। अगर आज आपके पास सारे मैप्स पहुंच भी जाएं पूरी दुनिया के, तो आप कितने मैप्स को याद कर लीजिएगा, कितनी देर लगाइएगा, और देर लगा देने के बाद भी क्या वो लाइफ एक यूजफुल लाइफ होगी? क्या पूरी जिंदगी इसी पे लगा देने से एक सार्थक जिंदगी बन पाएगी? कहना मुश्किल है। लेकिन जब से गूगल मैप्स आया, आप जहां जाते हैं आपको एक मैप की जरूरत है, आप टच ऑफ ए बटन पे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी ले लेते हैं। अगर सिर्फ बॉम्बे जा रहे हैं तो सिर्फ बॉम्बे, ईस्ट बॉम्बे जा रहे हैं तो ईस्ट बॉम्बे का नक्शा आ जाता है, बाकी नक्शे से आपको लेना देना नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल डाउजिंग का जगत आपको एक गूगल प्रदान कर देता है, जिसका मतलब ये है कि जब आपको उस चीज की जरूरत है तो आपको वो चीज दे देता है जो आप जानते नहीं हैं। आप तो नहीं जानते, लेकिन पीछे की सभ्यताएं जानती थी, और पीछे की सभ्यताएं ही हैं जो हमें जोड़ती हैं। कभी आपने देखा कि आपका नाम एक अक्षर से ज्यादा के अक्षर से बना हुआ है? अगर कोई बोले व्हाट इज योर नेम, तो मुझे पूरा बोलना पड़ता है, प्रबल फ्रैंक नंदवानी। मैं सिर्फ प्रबल बोल के जब हो जाता तो क्या परेशानी थी। और दुनिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रथाएं रही हैं, लेकिन ऐसी प्रथा मैंने आज तक नहीं सुनी। बड़े सारे कल्चर्स को मैंने पढ़ा जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम या सेकंड नेम बुलाने का ही नाम हो, का ही रीत हो। वो बोलेंगे तो बोलेंगे पूरा नाम, माई नेम इज माइकल जैक्सन। माइकल बोल देते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन माइकल जैक्सन कहने का मतलब ये कि एक आपकी इंडिविजुअलिटी प्रदान कर रहा है आपको, आपका पहला नाम प्रबल और नंदवानी जो है ये आपकी कास्ट, आपके गोत्र, आपके एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर आप प्रबल नंदवानी हैं तो नंदवानी जितने भी हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, और ये जो सारे नंदवानी हैं ये पहले अरोड़ा थे, इनका गोत्र अरोड़ा है, और हिंदुस्तानी चिंतन इसके ऊपर बहुत तगड़ा है, तो सारे पहले अरोड़ा थे। और जितने अरोड़े हैं दुनिया में उनका आगे गोत्र कश्यप है, तो वो सारे कश्यप थे, यानी वो वंश जो चला आ रहा है, यानी वो जो एक दिमाग हो गया कश्यप जी का, उसका अंश चला, और कश्यप भी पहले कहां कहीं तो कुछ रहे होंगे। यानी जब हम सबकॉन्शियस, यानी हमारे अंदर के अंदर ही माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो हम सबको इकट्ठे जोड़े हुए हैं, और इसलिए जो आप जानते हैं वो मैं जान सकता हूं, और जो मैं जानता हूं वो आप जान सकते हैं, चाहे मैं अभी जीवित हूं या नहीं हूं। और उसको पता लगाने की कला डाउजिंग के माध्यम से है। अगर कोई ऐसी सिविलाइजेशंस भी थी जो आज नहीं रही, लुप्त हो गई, उन्होंने भी अगर कुछ जान लिया था, उनसे भी हमारा जुड़ाव है, हम वो चीजें भी पता लगा सकते हैं डाउजिंग के माध्यम से। लेकिन जो चीज हमारी सबकॉन्शियस जानता ही नहीं, और सबकॉन्शियस, कार्ल यूंग साहब ने इस पे बहुत स्टडी करी और बिल्कुल ठीक निष्कर्ष पे वो पहुंचे कि जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस ब्रेन तो है ही, जिसके अंदर मेरी बचपन की और पुराने यात्राओं, अलग अलग जन्मों की स्मृतियां हैं, पर इससे पीछे की हम सब की स्मृतियां, यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी जुड़ी हुई हैं। जो नॉलेज
कलेक्टिव सबकॉन्शियस से बाहर की हो, वो आप कभी नहीं जान पाएगा, उसको बोलते हैं द अननोएबल। लेकिन आज तक अगर किसी ने कुछ जाना है, अगर आज तक किसी ने कुछ जाना है, उसको आज भी आप डाउजिंग के माध्यम से सही प्रणाली यूज करते हुए, जो मैं आज इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा, वो आप जान सकते हैं। बिकॉज वो ढूंढा जा चुका है लेकिन अभी हमारी स्मृति में है ही नहीं। इसलिए जब हम बात करते हैं डाउजिंग की, तो हम बात करते हैं लॉगिंग ऑन, मतलब पकड़ना, नॉन लोकल इंटेलिजेंस, लोकल मतलब जो मेरे पास है। फर्ज करिए मेरे पास ये फोन है, तो इस फोन की एक मेमोरी है, इसमें एक गाना पड़ा हुआ है। एक मेरी स्क्रीन पे अपर्णा जी हैं और एक दूत साहब हैं। तो अपर्णा जी और दूत साहब के पास एक एक फोन है, इनके फोन के अंदर भी एक एक गाना पड़ा हुआ है। अब मैं तो अपने फोन का गाना ही बजा सकता हूं, पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं उनके फोन का भी गाना बजा सकूं? तो ये जो गाना है, अगर ये इंटेलिजेंस है तो ये मेरे फोन पे है, तो इसको बोलेंगे लोकल इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस मेरी है वो लोकल इंटेलिजेंस, लेकिन जो इंटेलिजेंस जमाने की है, जो इंटेलिजेंस आपके पास है, जो आपके पास है, अगर हम एक कंपनी बनाएं और इकट्ठे मिलकर डिसीजन लें, तो हम सबकी कलेक्टिव समझ काम आएगी। ऐसे ही डाउजिंग की जगत में हम उस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं जो नॉन लोकल है, जो कभी पाई गई या आज पाई गई है, आज जानी गई या कभी जानी गई है उसको। इसलिए इसको बोलते हैं लॉगिंग ऑन टू नॉन लोकल इंटेलिजेंस, और ये पावर है डाउजिंग की। इसको आने वाले दिनों में हम अपने लाइफ के अलग अलग आयामों में कैसे लगाएं और उसके अंदर कैसे बेनिफिट उठाएं, इसको सीखेंगे। इस कोर्स का नाम है मिरेकल्स ऑफ डाउजिंग। ये कोर्स के नाम के आगे जो मिरेकल्स लगा है, वाकई में जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी आज से 20 साल पहले, तो मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए। कुछ आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे, उसमें जो मैंने पाया मैं आपके सामने रखूंगा, और आप खुद इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे, क्योंकि आप भी इन्हीं दिनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे आपको डाउजिंग की पावर का और इससे उत्पन्न होने वाले मिरेकल्स का पता लग जाएगा। तो डाउजिंग को अंग्रेजी भाषा के अंदर एक शब्द दिया गया टेक्निकली, जिसको बोला जाता है रेडियस्थीशिया। अब रेडियस्थीशिया जो है, ये नाम इसको दिया बोली साहब ने, जो कि फ्रांस के अंदर रहते थे। ऐसा नहीं कि इससे पहले डाउजिंग नहीं होती थी, पर हर चीज को लिखना, हर चीज का रिकॉर्ड रखना, ये शायद पहले संप्रदायों में इतना नहीं चलता था। इवन हिंदुस्तान के अंदर भी इतना नहीं चलता था, लेकिन वेस्टर्न सभ्यता में ज्यादा चलता था। तो जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उस हिसाब से बोली साहब ने इस साइंस को रिवाइव करा। उन्होंने इसका एक नामकरण करा रेडियस्थीसिया। रेडियस का लैटिन में मतलब होता है रेडियंस। ये जो आप अंग्रेजी की लिपि लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, फ्रांस के अंदर भी यही, फ्रेंच भाषा के अंदर भी यही लिपि है, जर्मन भाषा में भी यही लिपि है, इटालियन भाषा में भी यही लिपि है, क्योंकि ये सारी लिपियां लैटिन भाषा से आई। जैसे हिंदी के अंदर और बहुत सारी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो संस्कृत की लिपि लिए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो जो रेडियस जो रूट है, जो धातु है, इसका मतलब होता है रेडियंस। हर एक चीज के अंदर हमारा मानना है कि एक तेज होता है, तेज जिसको जब हम बॉडी पे लाते हैं तो उसको बोल देते हैं ऑरा, कि हर एक का एक ऑरा होता है। आपने देखा होगा हमारे जो भगवानों की तस्वीरें होती हैं, सर के पीछे एक ऐसे गोलदारा सा बना देते हैं, वो रेडियंस है। वो रेडियंस वही रेडियंस है जिसको किर्लियन साहब ने रशिया के नापने की कोशिश करी, और उन्होंने एक कैमरा ईजाद करा जिसको आजकल किर्लियन फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। किसी का बहुत बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। तो भगवान जो रहे हैं, जो बड़े पावरफुल लोग रहे हैं, उनके ऑरास भी उतने ही बड़े होते हैं। और जब हम वीक होते हैं, जब हम संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो ऑरा भी संकुचित होता है।
लेकिन हर चीज का एक रेडियंस लेवल होता है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तेज होता है, और उस तेज को पेंडुलम के माध्यम से एक डाउजर पकड़ने की कोशिश करता है कि ये तेज कैसा है, ये तेज है कितना, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। इस तरह से डाउजर उस रेडियंस को, उस तेज को, उस प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करता है। और जरूरी नहीं है कि प्रकाश वही हो जो आपको आंखों से दिखता है। क्या जिन लोगों के पास आंखें नहीं है वो ये मान के बैठ जाएं कि प्रकाश है ही नहीं? सिमिलरली जिनके पास आंखें हैं क्या वो यही मान के बैठ जाएं कि क्या यही प्रकाश है जो हम आंखों से देख पाते हैं, या कोई और प्रकाश भी दुनिया में हो सकता है? जिन लोगों ने सर्च करा उन्होंने पाया दूसरी तरह की किरणें भी हैं ऐसी जो सूरज से निकलती हैं और वो रात को भी प्रिडोमिनेट करती हैं। अदरवाइज तो आप रात को कहेंगे कि सूरज का इन्फ्लुएंस धरती पे खत्म ही हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो रेडियस का मतलब रेडियंस यानी कि तेज, और दूसरा धातु जिसके ऊपर ये रेडियस थीशिया शब्द गढ़ा गया वो है ग्रीक भाषा का शब्द, और लैटिन भाषा रोम में बोली जाती थी और ग्रीक भाषा ग्रीस में। तो लैटिन आजकल रोम जो है वो इटली में है, और इटली और ग्रीस को अगर देखें तो इसी स्लाइड पर मैंने दिखाया है। देखिए देखिए ये इटली है और गलती से ये इसके नीचे लिखा गया है, बिल्कुल इटली के नीचे ग्रीस है। और ग्रीस भाषा के अंदर अथीसिस का मतलब होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि तेज तो है। सपोज करिए कि मेरे एक सेकेंड को एडमिट कर ले कि मेरे चेहरे में यहां तक तेज है, तो आप अपना हाथ, अगर आपका हाथ सेंसिटिव है, आप यहां लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां से तेज आना शुरू हो रहा है, यहां पे नहीं है, यहां से आना शुरू हो रहा है, यहां पे और बढ़ गया, यहां और बढ़ गया। तो ये आपका हाथ जो है जागरूक हो जाएगा इस कि यहां पे तेज है और यहां पे तेज नहीं है। इस जागरूक होने की अवस्था को बोलते हैं सेंसिटिविटी। जैसे कभी कभार आपका दांत सेंसिटिव हो जाता है, जिस वक्त आपका दांत सेंसिटिव होता है उस वक्त अगर आप मुंह खोलें तो आपको हवा भी फील हो रही होती है दांत के ऊपर, आपको दिक्कत बहुत आ रही होती है। आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं और दो दिन में जब दांत ठीक हो जाता है तो नॉर्मल दांत, नॉर्मल हवा दांत को टच करती है, लेकिन दांत उसको सेंस नहीं कर पाता। क्या अब दांत पे हवा टच नहीं कर रही तो मान ले कि हवा है नहीं? नहीं, हवा तो है लेकिन अब दांत सेंसिटिव नहीं रहा। जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे काउंसलिंग का मैं एक सेमिनार दे रहा था कल कुछ एचआर के प्रोफेशनल्स का, तो मेरा उनको यही कहना था कि भाई लेट अस बी सेंसिटिव टुवर्ड्स जो लोग हमारे से डील करते हैं, हम प्यार से बोलें। क्यों? क्योंकि हमने जिनको चाहते हैं टीम में इकट्ठे लेके चलना, कहीं हम कुछ ऐसा ना बोले जिससे कि वो हमारे से विमुख हो जाए, फिर मुश्किल होगी आपको उनको कन्वर्ट करने की अगर आप एचआर में हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हम बात कर रहे थे। तो सेंसिटिव का मतलब है कि दूसरे की भावनाओं के प्रति सजगता, और डाउजिंग के अंदर सेंसिटिविटी का मतलब है कि इस रेडियंस के प्रति, इस तेज के प्रति जागरूकता, सेंसिटिविटी, पता होना कि कहां पर ये रेडियंस है और कहां पर ये रेडियंस नहीं है। इसी दो धातुओं पर रेडियस और एस्थीसिस से शब्द बना रेडियस थीशिया, जो कि टेक्निकल नाम है डाउजिंग का। तो अगर डाउजिंग करनी हो लेकिन, तो इसके लिए कई चीजें जरूरी हैं। कई चीजें मार्केट से जाके वो खरीदने वाली नहीं है, डाउजर अपने आप में सक्षम होता है। इनफैक्ट अगर पेंडुलम ना हो तो भी डाउजिंग करी जा सकती है अपनी बॉडी को यूज करते हुए, हालांकि वो इस कोर्स का विषय नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताना जरूरी है। पर इम्पोर्टेंट क्या है, लोग नहीं कर पाते। मैं वो चीजें आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे फिर लोग जब नहीं कर पाते तो छोड़ के चले जाते हैं, और अगर आप वो भूले ना करें तो आप कभी इसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप छोड़ेंगे नहीं और इसको करेंगे तो मेरा मकसद इस क्लास को लेने का वो पूरा होगा। तो पहली चीज ये है, अगर आप डाउजर बनना चाहते हैं
कि अपने दिमाग को और अपने दृष्टिकोण को डीपर्सनलाइज कीजिए। ये शब्द लिखा हुआ आ रहा है आपके स्क्रीन पर, डीपर्सनलाइज। इसका मतलब क्या है? एक तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन रखें। स्पेसिफिकली ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शन थी, मुझे बात करना पसंद है, जो नहीं रख सके वो चले जाएं और बाद में वीडियो आएगा, वीडियो देखें, ऐश करें। सरायना GD063 REPT जो एक दो लोग मेरे इस पे आ रहे हैं बगैर वीडियो के, वो प्लीज वीडियो ना तो ऑन करें या चले जाएं और बाद में जब मैं वीडियो शेयर करूंगा उसको देख लें। तो डीपर्सनलाइज योर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए आप इस तस्वीर को देखें जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। ये तस्वीर के अंदर चूटियां देख रहे होंगे आप कपड़े टंगाने की, है ना? आपको क्या लगता है कि ये चूटियां ढंग से पड़ी हैं या ये चूटियां ढंग से नहीं पड़ी? आपको क्या लगता है कि जो वुमेन है इनको पार्लियामेंट में 50% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि कम्युनिज्म अच्छा है कि कैपिटलिज्म अच्छा है? आपको क्या लगता है, थोड़ा इंडिया में आते हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है? आपको क्या लगता है कि हिंदू रिलीजन अच्छा है कि मुस्लिम रिलीजन अच्छा है? आपको क्या लगता है से डाउजिंग की दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है, और इसलिए ये जो भी आपको लगता है इस लगने को जब हटा देंगे तो आप डाउजिंग की दुनिया में प्रवेश कर पाने में समर्थ होंगे, क्योंकि डाउजिंग की दुनिया में यह जरूरी है कि आपको उत्तर सही मिले तभी आप इसका चमत्कार देख पाएंगे, और उत्तर सही मिले इसके लिए जरूरी है कि यहां पर कौन रहता है इसको जान लें। तो यहां पर जज करने वाला आदमी नहीं रहता है, हम कोई बुद्धि बल का काम नहीं कर रहे। आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आप कुछ भी हैं, डाउजिंग की दुनिया में आने से पहले ड्रॉप कर दें। आप अनपढ़ भी हैं तो भी इन्हीं 7 दिनों के अंदर मैं आपको डाउजिंग सिखा सकता हूं, लेकिन अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी दुनिया के बारे में समझ बहुत अच्छी है तो मेरे लिए उतना ही मुश्किल है आपको डाउजिंग की दुनिया के अंदर प्रवेश कराना। उसका कारण यह है कि आपके पास पक्ष है, आपके पास बुद्धि बल है, आप देखते हैं कि क्या ज्यादा अच्छा है क्या कम अच्छा है, और अगर आपने ही ये फैसला कर लिया कि ये अच्छा है ये बुरा है तो फिर डाउजिंग की जरूरत क्या है? डाउजिंग का मतलब है उस चीज को जानना जो आप नहीं जानते, और कहां से जानना? अपने दिमाग को यूज करते हुए। लेकिन जिस दिमाग को यूज करते हुए मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कैसे हो रहा है, कैसे हुआ था, और दिमाग में मेरे चल रहा है जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, मुझे तो लगता है 2 आदमी मारे गए हैं। अब जब आपको लगता ही है कि 2 आदमी मारे गए हैं, आपने कैलकुलेशन कर ही ली है अपने दिमाग के अंदर बेस्ड अपॉन द वेरिएबल्स और द इनपुट्स विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर सोर्सेस, तो फिर इसी दिमाग को अगर यूज करेंगे डाउजिंग करते वक्त तो आंसर जो है वो बायस्ड आएगा, प्रेजुडिस्ड आएगा, एक तरफा आएगा, तो आपको सच के साक्षात दर्शन नहीं हो पाएंगे, और जब सच के साक्षात दर्शन नहीं होंगे तो भ्रम मिलेगा और भ्रम से आप भाग जाएंगे।
इसलिए पहली सीख जो आज के कोर्स की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो है ऑर्डर को देखने की कोशिश केओस में भी। ये जो केओस आपको दिखता है, ये जो अराजकता आपको दिखती है कि कोई पिन ऐसे पड़ा है, कोई पिन ऐसे पड़ा है, कोई पिन ऐसे पड़ा है, श्री लता जी अभी आऊंगा तब जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, दो चार मिनट बोल लूं फिर मैं पूरा मौका दूंगा। मेरी कोशिश ये है, चेष्टा ये है कि मैं आप लोगों को प्रेरित कर सकूं और स्किल दे सकूं कि आप ये करना शुरू करें, और जब तक उत्तर ना दें, जब तक बात ना करें, तब तक आपको लगेगा कि आप एक रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो फिर मोटिवेशन नहीं आएगा। वन टू वन जब तक थोड़ी सी बात हो जाए ना, तो फिर आदमी मोटिवेटेड फील करता है, यस आई कैन टॉक टू सर, यस आई कैन हैव ए कॉन्वर्सेशन, ऐसे थोड़ा सा दिल खुश रहता है, और क्यों ना हो। लेकिन ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो स्क्रीन पर चूटियां पड़ी हैं, अगर आपको इनके अंदर अराजकता ही दिखती है, अगर आप एक गार्डन में जाते हैं और वहां पत्ते बिखरे होते हैं और कोई बड़ा और कोई छोटा और कोई मोटा और कोई पतला होता है, तो आपको अराजकता ही दिखती है, तो इसमें आपके आंख की भूल है, क्योंकि उस भगवान ने जिस तरह से उसका गठन कराया हमें उस तरह से दिख नहीं रहा। हमें तो ये दिखना शुरू हो गया कि भैया ये तो कोई छोटा है कोई बड़ा, इसको बराबर बराबर काटो। इसका मतलब हमने अपना दिमाग आरोपित कर दिया जो हम सीन देख रहे हैं उसके ऊपर। और अगर हमने अपना दिमाग ही आरोपित करना है, अगर हमने अपना कॉन्शियस ब्रेन ही यूज करना है, तो जरूर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डाउजिंग की दुनिया में प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाउजिंग का सिद्धांत ये है, डाउजिंग का मतलब ही ये है, जो नहीं जान पा रहे, जो नहीं दिख पा रहा, उसको सब कॉन्शियस यानी कि जो हम नहीं जानते हैं वहां तक जाके ढूंढ के बाहर कॉन्शियस में लेके आना, क्योंकि जो आप जानते हैं वो बहुत सीमित है और जो नहीं जानते वो अनंत है। इसलिए कर लीजिए, जिसके भी म्यूट करे, जिसका भी टीवी लगाए, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी कोई क्वेश्चन पूछे, साहब मैं मुर्गी खाऊं कि बकरी खाऊं, और आप हैं प्योर वेजिटेरियन, अब आपको आ गई खुंदक, बेवकूफ का बच्चा ऐसे पूछता है मुझे, गंदे लोग सारे नॉनवेज खाते हैं, तो वो कैसे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा? आप अपने दिमाग में फंस गए, आपके अपनी विचारधारा है मैरिज को लेके, और कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ए से रखूं कि बी से, अब आप अपने ही दिमाग में परेशान है कि कैसी औरत है, हटाओ इसको, मेरे को नहीं इसको। नहीं भाई, जब तक हम डी पर्सनलाइज नहीं करेंगे चीजों को, तब तक हम डाउजिंग की दुनिया में प्रवेश करना मुश्किल है। जिस वक्त आप अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं, जिस वक्त आप पेंडुलम को हाथ में ले लेते हैं, इस वक्त आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, आपका कोई पक्ष नहीं है, सामने एक प्रश्न है, प्रश्न को जानने की इच्छा है, ये एक कला है जो नहीं जानते उसको जानने की, बीच में इंटेंशन को मत लाइए, बीच में अपने पर्सपेक्टिव को मत लाइए, बीच में अपने सोच, अपनी समझ, अपने कैन को, नॉलेज को मत लाइए। ये समर्पण की दुनिया है, ये सरेंडर की दुनिया है, और ये चमत्कारिक है, इससे हम रूबरू होंगे आने वाले कल से। आज मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक छोटा सा नोट्स भेजे थे, एक सिंगल पेज का ये एक शीट भेजी थी, जिसके ऊपर लिखा है ट्रेन योर पेंडुलम। अगर आपके पास भी ये नोट्स हैं तो मुझे दिखाएं। वंडरफुल। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिन लोगों के पास पेंडुलम है, क्योंकि पेंडुलम के बगैर क्या सिखाएं, तो पेंडुलम होना जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने मंगवा लिए हैं या उनके पास था, कुछ एक जिनके पास नहीं है उनको मैं कल सिखा दूंगा कि कैसे ये अपना पेंडुलम खुद बनाया जा सकता है, तो इसको हम सीखते हैं कि हम अपने पेंडुलम को ट्रेन कैसे करते हैं। शुरू में जब आपके पास कोई पेंडुलम आए तो आप इसको ऐसे सामने रखते हैं और इसको बोलते हैं, या तो इसको मूवमेंट दीजिए और ट्रेन करिए। जो आपके पास पेपर है, ट्रेनिंग कैसे करी जाती है मैं वो बता रहा हूँ, जो आपके पास पेपर है
उसके पास उसके ऊपर एक खड़ी हुई रेखा है, जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई रेखा। इस खड़े हुई रेखा पे आपने अपने पेंडुलम को चलाना है और पेंडुलम को बोलना है दिस इज अ यस रिस्पॉन्स। क्या बोलना है? बोलना है दिस इज अ यस रिस्पॉन्स। ऐसा 5 बारी हमने करना है। दिस इज अ यस रिस्पॉन्स, इकट्ठा करेंगे, दिस इज अ यस रिस्पॉन्स। 5वीं बार, दिस इज अ यस रिस्पॉन्स। उसके बाद अब आपके पास एक लेटी हुई डंडी है, जिसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके ऊपर भी हम अपने हाथ से जानकर हिलाते हुए ऐसे पेंडुलम को घुमाएंगे उस डंडी के ऊपर 1-2 इंच ऊपर, और बोलेंगे दिस इज ए नो रिस्पॉन्स, ये एक नकारात्मक उत्तर है, ये एक नकारात्मक उत्तर है, ये एक नकारात्मक उत्तर है। प्रश्न आया यू मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आप मैथ्स के या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है वो खड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने यस रिस्पॉन्स लिया, और एक्स एक्सिस जो है वो लेटा हुआ है, उसके ऊपर हमने नो रिस्पॉन्स लिया। रुक जाइए, मैं चैट विंडो खोल देता हूँ। ठीक है अर्का, समानता जी आपकी बात को अभी लेते हैं थोड़ी देर में, इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री वाली बात को। ठीक है, पहले मैं ट्रेन करवा लूँ, फिर मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करता हूँ डिस्कशन, आप वीडियो पे आके भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने यस और नो, जो सबसे बेसिक चीज होती है आंसर की, वो लेने की कोशिश करी, यस और नो। तो ये हमने ट्रेन कर दिया कि भाई यस ऐसे होगा और नो ऐसे होगा। लेकिन एक डाउजर की भी लैंग्वेज होती है अपनी, वो ऐसे गोल गोल करके कुछ हमें बताता है। तो जब वो क्लॉकवाइज गोल गोल ऐसे घूमता है तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक उसकी तरफ से यस, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, देखिए ऐसे, तो इसका मतलब होता है नो। इस बारी हम अपनी तरफ से नहीं हिलाएंगे पेंडुलम को और उसको बोलेंगे गिव मी, पेंडुलम साहब गिव मी अ यस रिस्पॉन्स, और ये अपने आप घूमेगा। और अगर ये अपने आप घूमना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि आपने डाउजिंग की दुनिया में प्रवेश कर लिया। इसको बोलिए दूसरी बात, दूसरी एक्सरसाइज, पेंडुलम साहब गिव मी ए नो रिस्पॉन्स। और या तो जो अभी आपने ट्रेन करा है वैसे, या एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे, तो इसका मतलब आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप डाउजर बन गए। इस यंत्र को बोलते हैं पेंडुलम, और जो पेंडुलम से कुछ प्रश्नों का हल करता है उसको बोलते हैं डाउजर, और इस कला को बोल देते हैं डाउजिंग। इस तरह से इन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। यू आर मूविंग योर हैंड, ये एक ही हैं, जो क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं वो एक ही हैं। कोई अर्का, समानता जी अभी इनसे चर्चा करेंगे। तो ये है डाउजिंग की दुनिया का पहला कदम। रात को फिर दोबारा से एक बार, जब आप आज रात को या कल सुबह जब पूजा करके बैठे, या जब मेडिटेशन करके बैठे, या जब नहा धो के थोड़ा माइंड स्टेबल हो उस टाइम बैठे, तो ये प्रक्रिया को आपको एक बार दोहराना है, एंड द पेंडुलम विल बी रेडी फॉर यू टू यूज इट टू फाइंड आउट वेरियस आंसर्स फॉर वेरियस लाइफ एस्पेक्ट्स। सो विद दिस आई विल ओपन द डिस्कशन। आप मेरे से जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, हम कुछ बातें कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई संदेह है आज की बातों को लेके तो वो पूरा हो सके। जी श्रीलता जी,
इन्होंने हाथ काफी देर से खड़ा करा हुआ था तो मुझे लगा। ओके शिवानी भारद्वाज जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं एज अ टैरो रीडर आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर मैं इसमें हम लोग अपना माइंड नहीं यूज करेंगे या इंट्यूशन पावर नहीं यूज करेंगे तो हम कैसे डाउजिंग कैसे कर सकते हैं? लाइक मेरे को तो नेचुरल है कि इंट्यूटिव पावर है तभी मैं टैरो रीडिंग कर पा रही हूँ। जैसे कि आपने बोला कि हमें अपना दिमाग यूज नहीं करना, वी हैव टू कीप असाइड आवर माइंड, दैट्स व्हाई तभी हम लोग ये डाउजर यूज कर सकते हैं। जी टैरो की दुनिया में क्या होता है मैडम कि दो चीज का प्रयोग होता है। सबसे बड़ी तो सबकॉन्शियस रैंडम सिलेक्शन ऑफ अ कार्ड तो हम करते ही हैं, कॉन्शियसली हम सिर्फ इतना करते हैं तो मिसाल के तौर पर हमने अपना डेक शफल करा, इसमें क्या कोई दिमाग लगाया? इस शफलिंग में क्या मैंने कोई दिमाग लगाया? नहीं। मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट करा और मैंने कहा या तो आप उठा लें। वैसे मेरा तरीका अलग है टैरो करने का, मैं सिर्फ हाथ ऐसे करता हूँ, जहां मुझे हीट नजर आती है वो पत्ता मैं उठा लेता हूँ और वो नॉर्मली जो आपका क्लाइंट है उसकी जो आज की परिस्थिति है उसको दर्शाता है ना? आपके साथ ऐसा ही होता होगा ना? जी, ऑटोमेटिक हुआ। इसमें आपने कोई बुद्धि बल का प्रयोग नहीं करा, वो कार्ड जो सामने वाले के क्वेश्चन या स्थिति को दर्शाए वो ऑटोमेटिक निकल के आया, तो इसको बोल सकते हैं दी मैजिक ऑफ टैरो, है ना? ये भी एक मिरेकल हुआ टैरो का, जिसको जान के हमें खुशी होती है और फिर हम कंटिन्यू अपना जीवन लगा देते हैं इसी आर्ट के अंदर। दिमाग का प्रयोग करते हैं जब ये जो हमारे पास, जैसे अभी मैंने जो कार्ड निकाला वो अगर आप देखें थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसमें ये व्यक्ति कुछ देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरे दो लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं बुद्धि बल का अब प्रयोग करता हूँ जाके कि इसका रिलेशन क्या है सामने वाले के साथ, सामने वाले की सिचुएशन में। पर इससे पहले मैं कोई प्रयोग नहीं करता, मैं कॉमन सेंस का भी कोई प्रयोग नहीं करता। और डाउजिंग की दुनिया इससे भी आसान है, इतना दिमाग लगाने की नहीं पड़ती। ठीक है सर, ठीक है, आई गॉट इट, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। संगीता प्रसाद। मैं, मेरा नाम अरुण है। हाँ जी, गुड इवनिंग, थैंक यू। मैं ये डाउजर हाथ में लेती हूँ तो कभी कभी एक ही जगह वैसे शेक करते, अभी भी कर रहे हैं, इफ यू कैन सी इट, सिर्फ शेक कर रहे, इट्स नीदर ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बार ही ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में करूं तो उसके आंसर में शेक करता है एक जगह पे। हाँ, तो वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? मेरा भी। दूसरा किसका, किसने कहा? मेरा भी, मेरा सर, मेरा भी डाउजर अभी हुआ था, द सेम डाउजर आई एम हैविंग, और बहुत देर तक, मतलब मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ तो भी बहुत देर तक ओनली शेकिंग इन वन प्लेस, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 हैविंग द सेम डाउजर आई एम हैविंग। दो तीन चक्रवर्ती जिन लोगों का पेंडुलम नहीं चल पा रहा, एक कारण, दो कारण, तीन कारण, या जो पहले से भी कर रहे हैं लेकिन कभी कभी नहीं चल पाता, ये आपको दिख रहा होगा, ये अभी करता है ऐसे। हाँ जी, मैंने सुन लिया। हाँ जी, मैंने देख भी लिया, मैंने सुन भी लिया। राइट राइट, अब पॉज कर दें, अपने को म्यूट कर लें। आई विल आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ओके, तो या तो आप पहली बार कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, या आप करते आए हैं लेकिन कभी कभी ऐसा करता है। दोनों केस के अंदर हमारा पेंडुलम हमारे को आंसर्स नहीं दे रहा है, हमारा पेंडुलम हिलने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे दो तीन तरह के कारण होते हैं। पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन, तो कभी भी ऐसा जो कुछ हो तो पानी पीजिए। बट मुझे बहुत नहीं, मैंने आपको बताया मैडम, आप म्यूट रखेंगी अपना वीडियो। ओके सॉरी, दिस इज नॉट अ डिस्कशन, दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन, यू विल आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, दिस विल नॉट बी अ डिबेट। सो द पॉइंट इज, पहली चीज ये कि हम पानी पिएंगे और अगर हमारे में डिहाइड्रेशन है तो उसको दूर करेंगे।
कई बार हम पानी पीते भी हैं फिर भी हमारे में डिहाइड्रेशन होती है, इसलिए हमारे ही कोर्स के अंदर कुछ दोस्ती करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एम आई डिहाइड्रेटेड। कल मैं सिखा दूंगा कि आंसर्स कैसे ढूंढे जाते हैं डाउजिंग की दुनिया के अंदर, तो आपके लिए ये जानना आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे को आंसर्स नहीं मिल रहे हैं और हम हाइड्रेटेड हैं, इसका दूसरा कारण होता है कि कई बार हमें सर्वाइकल होता है, और जब हमारे को सर्वाइकल होता है तब भी मैंने देखा कि डाउजिंग की दुनिया में आप अपना आपका पेंडुलम आपको आंसर नहीं दे रहा होता, रुक रहा होता है, नहीं चल पा रहा होता। तो आप अपना इसको ठीक करा लें तो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वाइकल वाले लोगों को पेन नहीं हो रहा होता, उनको पता नहीं होता, लेकिन अगर ठीक कर दो तो कहते हैं हाँ यार लाइट हो गया, ये तो बड़ा ऐसा कैसे हो गया। और ये खुद मेरे साथ हुआ आज से 20 साल पहले। तीसरी बात ये कि अगर हाँ के बदले में ना आए और ना के बदले में हाँ आए, सो गुड फॉर यू इज इवल एंड इवल फॉर यू इज गुड, इट इज कॉल्ड बीइंग स्विच्ड। तो आप एक स्विच्ड हैं, अब आप स्विच्ड क्यों हैं, आप कैसे हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये भी ठीक हो जाता है 30-40 मिनट के अंदर नॉर्मली। तो स्विचिंग का मतलब ये है कि आंसर्स ऑपोजिट आएंगे फिर भी आप डाउजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नो का मतलब यस होता है, यस का मतलब नो होता है, सो आपको कोई इश्यू नहीं। इसके अलावा एक ऐसा सर्कमस्टांस होता है जिसके अंदर अगर आप इंटेलिजेंटली डाउज करें तो आप ये पा सकते हैं कि कहीं ये चौथी बात तो नहीं है जो मैं आपको बताने लगा हूं। वो ये है कि सपोज करते हैं कि चोरी हो गई आपके घर में, आप डाउज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव गॉट 3 गवर्नेसेस, गवर्नेस 1, गवर्नेस 2, गवर्नेस 3। ये आपको पता है कि ये 3 लोग ही थे तो चोरी तो इन्हीं में से 3 किसी ने करी है। आई वॉन्ट टू नो, बट द प्रॉब्लम इज कि उनका ना पीछे लिंक जो है वो फिर तगड़ा है, वो फिर मर्डर वर्डर भी करा सकते हैं। सो इट इज नॉट गुड दैट यू नो, एंड मे बी द नेचर डजेंट वॉन्ट दैट यू विल गेट मर्डर और समथिंग लाइक दैट, सो इट इज नॉट गुड फॉर यू टू नो। तो क्या मुझे इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जानना अभी मेरे लिए नियति में नहीं है, ये उस टाइम पे क्वेश्चन पूछिए। अगर हाँ आए तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉलेज अभी आपको नहीं मिलेगी। इन चीजों यही मुझे 3-4 चीजें पता है जो मेरे एक्सपीरियंस में पीछे 15-20 सालों में आई। जी बोलिए मैडम, बताइए। ये बिफोर द सेशन, लाइक बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, सबसे पहले ये ऐसे होता है? पहले तो क्वेश्चनिंग में स्टार्ट करने के पहले, हाँ तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले जैसे मर्जी हो। पहले अगर आप हाथ हिलाएंगे नहीं तो वो हिलेगा ही नहीं। मैं भी इसको नॉर्मली रखता हूँ, ऐसे देखिए, अब ये कुछ घूम थोड़ी ना रहा है, ये तो नॉर्मली है। अगर मेरा हाथ हल्का सा हिलेगा तो ये भी हल्का सा हिल जाएगा। नहीं नहीं, वो हाथ से नहीं हिलाते हैं, वो अपने आप हिलते हैं, पेंडुलम हिलता है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ सिर्फ, कि पहले अगर नहीं हिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ से कब हिलाते हैं, कब नहीं हिलाते, कब अपने आप हिलता है, इसकी भी चर्चा करेंगे, वो कल का टॉपिक रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन पूछें तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर, अगर ये इस तरह की हरकत कर रहा है आपका पेंडुलम और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस पे मेरा रिस्पॉन्स। अगर आपने पूछा ही नहीं और ये ऐसे हिल रहा है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हिलने दीजिए। हाँ, बट वही मेरा क्वेश्चन था कि डज इट ट्राई टू से समथिंग इन इट, मतलब ये कुछ कहना की कोशिश है डाउज पेंडुलम की बाय दैट मूवमेंट? देखिए मैडम, ऐसा है कि जब हम पूछते ही नहीं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ढूंढ ही नहीं रहे कुछ, तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ लीकेज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक स्ट्रेस। तो फिर ये आप पेशेंट हैं किसी चीज की, आपकी लीकेज चल रही है सबकॉन्शियस लीकेज, इसके लिए किसी पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगी तो वो इसका आंसर दे पाएगा। दिस इज ए वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट केस। सो वी थैंक यू सो मच ऑन दैट। जी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अरुण अरुण कुमार जी, मेरा एक ही सवाल है, क्या सिक्स सेंस का डाउजिंग से कोई लिंक है, या डाउजिंग का कोई सिक्स सेंस से लिंक है? अतीन्द्रिय ज्ञान
अपनी पांच इंद्रियों के परे अगर हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस तरह की ज्ञान की प्राप्ति को सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में इसको ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहा जाता है। आप मेरे सामने बैठे हैं, जैसे सुप्रिया जी बैठी हैं, इन्होंने एक सूट डाला है, सूट के अंदर नीले पत्ते या नीले कुछ प्रिंट है, ये मैं देख पा रहा हूं इसलिए जान पा रहा हूं, और ये मैंने आंखें बंद करी, और आंखें बंद करके अगर मैं यही बातें बोल देता हूं, इसका मतलब मेरे पास कोई एक ऐसी चीजें हैं जो चीजें आमतौर पर आदमी को उपलब्ध नहीं होती, यानी मैं उन चीजों को भी परसीव कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, किसी तरह से ग्रहण कर पा रहा हूं, जो मेरी पांच इंद्रियों के बाहर है, इसीलिए उसको बोला जाता है सिक्स्थ सेंस, कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल काबिलियत है। डाउजिंग, हम लोगों जो जिनके पास पांच इंद्रियां हैं जानने की, और जो पांच इंद्रियां लगाकर भी उस चीज को नहीं जान पा रहे जिसको जानना चाहते हैं, उनके लिए तो है ही। जिनके पास छह इंद्रियां हैं और वो छह इंद्रियां लगा के नहीं जान पा रहे हो जो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हो सकती है। छठी इंद्रिय होने का मतलब अलग है और डाउजिंग का मतलब अलग है, लेकिन जैसे छठी इंद्री से उस तरह का ज्ञान की प्राप्ति भी होती है जो बाकी पांच इंद्रियों से नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही डाउजिंग की मदद से भी आप उस नॉलेज तक पहुंच सकते हैं जो पांच इंद्रियां लगा के आप तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक लास्ट चीज, डाउजिंग क्या सिक्स सेंस से कंट्रोल होती है? बस खाली इतना सवाल और पूछ लूं। डाउजिंग के अंदर दिमाग को खाली करना है, दिमाग सिक्स सेंस का दिमाग से कोई लिंक नहीं है ना? नहीं, आप देखिए, अब आप मेरे से चलिए ठीक है, तो आप बोलेंगे मेरा तारतम्य टूटेगा। कि न्यूज़ में एंकरिंग जब करते हैं ना, तो बीच बीच में बोलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि पीछे से ना उनके एडिटोरियल एडिटर के प्रश्न होते हैं और उनको पता होता है कि किसको खींचना है, किसको क्या करना है, तो वो नॉलेज नहीं मिलती। यहाँ लोग बैठे हैं नॉलेज लेने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दे पाऊं, तो आप प्रश्न पूछें, उसके बाद म्यूट हो जाएं, ताकि मैं अपने दिमाग से जो मेरे से बेहतरीन हो सके वो आप तक पहुंच सके। तो सिक्स सेंस में किसने कहा दिमाग का प्रयोग नहीं होता? दिमाग आपका प्रोसेसर है, पांच उसके घोड़े हैं, घोड़े इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं दिमाग के पास, और दिमाग बता देता है कि ये इंफॉर्मेशन है। जब छह इंद्रियां होती हैं, तो छठी इंद्री इंफॉर्मेशन ब्रिंगर का काम करती है, दिमाग उसको प्रोसेस करता है, और आप मुझसे बता सकते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ। तो दिमाग का प्रयोग तो होता ही है। अब जिसके पास सिक्स सेंस है वो भी डाउजिंग कर सकता है, जिसके पास सिक्स सेंस नहीं है वो भी डाउजिंग कर सकता है, लेकिन सिक्स सेंस वाले के पास एक तरीका और होता है इंफॉर्मेशन को जानने का, जो छठा तरीका होता है, जो पांच वाले के पास नहीं होता। बस इतना सा इसके अंदर भिन्नता है। तो डाउजिंग का बहुत ज्यादा लेना देना सिक्स्थ सेंस से नहीं है, पर दूसरे मायने में देखा जाए तो डाउजिंग भी एक तरह की आपकी सब्स्टिट्यूट छठी इंद्री ही है। जैसे दो मेरी टांगे हैं और एक टांग मैं पेंडुलम की लगा लूं, मैं लोहे की लगा लूं, तो मेरे पास तीन टांगे हो जाती हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन पहली टांग देती है, कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी टांग देती है, और कुछ इंफॉर्मेशन मुझे डाउजर से पेंडुलम से मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही जी। कोई और प्रश्न? एक अर्का समंता जी ने, जब हमने शुरू करी क्लास तब इनका आया था, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव राइट्स टू बी पर्सनलाइज्ड एंड वी हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव। या यू हैव एंड यू कीप ऑन हैविंग दैट। नोबडी इज इंटरफियरिंग विद एनी ऑफ द राइट्स फॉर योर राइट्स टू नॉट हैव अ पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स इफ अ मैन हैज टू लिव ही हैज गॉट टू हैव पर्सपेक्टिव, होना चाहिए, है, और बड़ी अच्छी बात है आपका है। और डिबेट्स में आके लोग एक दूसरे को बताते हैं कि देखो ये सही है ये गलत है, उनका पर्सपेक्टिव भी बन जाता है, और दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जिस वक्त हम डाउजिंग कर रहे होंगे, जिस वक्त हम अपने पेंडुलम से उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं,
जो चीज हमारे पास नहीं है हमें पता, उस वक्त पर्सपेक्टिव मत रखें। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इनका सवाल वाजिब है, टोन जैसी भी हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं ढूंढ के निकाल रहा हूं कि मर्डर किसने करा। बड़ा संगीन बात है, मैं ढूंढ के निकाल रहा हूं कि मर्डर किसने करा, ए ने, बी ने, किसी ने, और डी है मेरा भाई, और मेरा भाई तो मर्डर कर नहीं सकता, इसलिए डी को तो मैंने रखा बिल्कुल बाहर, और मैं चूज करने की कोशिश कर रहा हूं ए, बी और सी से, और फिर डाउजर हिल नहीं रहा, फिर डाउजर भाई यूं कर रहा है जैसे अभी कुछ देर पहले संगीता जी ने कहा था। अब आप मुझे बताइए इसमें भूल कहां है? इसमें भूल यहां है कि हमने अपने दिमाग से इसको कैसे ओवरकम करना है फिर कभी सिखा दूंगा, लेकिन भूल कहां है कि हमने अपने पर्सपेक्टिव को, जो कि यह कहता था कि मेरा भाई तो मर्डर कर ही नहीं सकता, उसको अपने डाउजिंग की दुनिया में इनकॉर्पोरेट कर दिया। पहले आप डाउजिंग से जो उत्तर आता है वो आने दीजिए, फिर आप अपने पर्सपेक्टिव लगाते रहिए। डाउजिंग करने से पहले, डाउजिंग करने के बाद और पूरी जिंदगी में जो आपने करना है करें। मैं ये कह रहा हूं जब मैं आपको सिखाने बैठूं और जब आप एक बार सीख लें उसके बाद भी आपका पर्सपेक्टिव आपको लगाना है और लगा के आपको आंसर मिलता है आप जरूर लगाएं, लेकिन जब तक मैं आपको सिखा रहा हूं तब तक मैं कह रहा हूं कि आप अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ें ताकि वो रियल जो हम समझते कि रियल है उसको हम अपने पेंडुलम पे और अपने आंसर्स पे आरोपित ना करें, अपने पेंडुलम को फ्रीडम दें कि वो जो बोलना चाहे जिस तरह से आंसर देना चाहे वो दे। सिर्फ इस वजह से हमें पर्सनलाइज्ड या किसी एक पर्सपेक्टिव की तरफ झुकाव नहीं रखना। दूसरा कहते हैं यू आर मूविंग योर हैंड। जी जब मैंने मूव करा था तो मैंने बताया था कि आई एम मूविंग माय हैंड, जब मैं मूव नहीं करता तो मैं नहीं करता और जब मैं करता हूं तो मैं करता हूं, और दोनों का अपना अपना डाउजिंग की दुनिया के अंदर एक रोल है जिसके ऊपर हम कल चर्चा कर लेंगे। स्केप्टिसिज्म इज गुड जब आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं और आप बोलें कि भैया तुम डाउजर हो तो तुम बताओ कि ये तुम देखो हाथ जान के हिला रहे हो, हैं? तो मैं आपको डाउजर कहीं और पे रख के अपना हाथ स्टिल करके फिर अपने दिमाग से जो चाहूं करके दिखाऊंगा आपको डाउजर के साथ। लोग तो चम्मच को भी मोड़ देते हैं, काइनेसियोलॉजी कहते हैं इस आर्ट को। चम्मच आपके हाथ में होगा और अगर मैं मोड़ दूं तो फिर, लेकिन ये क्लास है, ये क्लास उनकी है जो डाउजिंग सीखना चाहते हैं, ये क्लास उनकी नहीं है जो डाउजिंग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पहला चीज विश्वास, सीख जाएंगे तो विश्वास की जरूरत नहीं क्योंकि देख लेंगे, लेकिन अगर सीखना ही है तो ग्राहकता होनी जरूरी है, रिसेप्टिविटी होनी जरूरी है, और ये एटीट्यूड ग्राहकता का नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं वो करके देखें और तब तक विश्वास रखें जब तक हाथ से ना कर दें, और अगर नहीं रख सकते तो क्लास आपके लिए नहीं है। फिर उसके पास जाएं जिस पे आपको विश्वास है, उससे सीख लें, और अगर समझें कि ये बेकार है तो मत सीखें, ये आपकी स्वेच्छा है। पर मैं जो बोलूंगा वही जो मैं कर रहा हूं और वही आपसे कराऊंगा, और जब आप कर पाएंगे तो आपको आ जाएगा और आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी, और ऐसे लोगों की मुझे तलाश है जो इसके अंदर अपने कदम आगे बढ़ाना चाहें और इस पवित्र साइंस को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहें। ओके, ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? डाउजिंग वर्क्स व्हेन यू आर, मिस्टर धूत जी का प्रश्न है, डाउजिंग वर्क्स व्हेन यू आर बीइंग इन प्रेजेंट, इज इट? प्रेजेंट का मतलब अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड समझें, जैसे अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, एक होता है लिसन और एक होता है हियर। ये देखिए, ये मैंने एक कागज का टुकड़ा फाड़ा और ये मैंने एक पेन लिया, ये जब मैं पेन नीचे गिराया, ध्यान से देखिए तो आपको सुनाई पड़ा होगा कुछ, वर यू एबल टू हियर, दोबारा गिराता हूं, वर यू एबल टू हियर, अगर हां तो मुंह यूं हिला दीजिए, ठीक है। अब ये कागज देखिए, ये कागज का टुकड़ा मैंने नीचे गिराया,
वर यू एबल टू हियर, अगर हां तो यू और अगर ना तो यू, इसका मतलब हियर करने की सीमा है, जिन शोधकर्ताओं ने हियर करने की सीमा को जाना उन्होंने बताया कि इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की काबिलियत रखता है, इससे नीचे और इससे ऊपर सुनाई नहीं पड़ता। ऊपर एरोप्लेन जा रहा होगा, इतना शोर कर रहा होगा, अगर हमें सारे एरोप्लेन की आवाज यहां तक आनी शुरू हो जाए वो गर्जना से, शायद हमारी शक्ति सुनने की चली जाए। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर हॉस्कास के अंदर एक डियर पार्क है, मैं 15 साल पहले वहां गया, बड़े दबे पांव मैं हिरण के पास जाने की मैंने कोशिश करी, और जैसे ही मैं हिरण के पास पहुंचने वाला था और सक्सेस होने वाला था वैसे ही डियर भाग गया। तो मुझे समझ में आ गया कि जो पैर से मेरी नॉइज हो रही थी वो मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था मैं दबे पांव जा रहा हूं, लेकिन वो जो मेरे को लग रहा था कि मेरी चुप्पी है, हिरण के लिए वो शोर था, क्योंकि हिरण के सुनने की शक्ति हमारे से कई गुना ज्यादा है, वो छोटे हर्ट्स को भी सुन लेता है जो हमें सुनाई नहीं पड़ते। वरना चींटी भी तो पैर रख के चल रही है, उसके पैर रखने की भी तो कुछ गर्जना होती होगी, वो आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ती। तो ये होता है हियरिंग, लेकिन लिसनिंग एक अलग मैटर है। लिसनिंग आप अभी कहीं सोचना शुरू कर दें कि रात को खाने में क्या बने मिलेगा आपको, तो आप तो यहीं पर हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो 20 हर्ट्ज से ऊपर आवाज है, वो आप चाहें तो हियर कर सकते हैं और आपके कान हियर कर ही रहे हैं अगर आप मेरी आवाज म्यूट पे नहीं रख रहे तो। लेकिन क्योंकि दिमाग कहीं और है, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि मैंने क्या कहा तो आप वापस नहीं बता पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार क्लास के अंदर बच्चे इधर उधर हो जाते हैं तो हमारा माइंड जो है इधर उधर हो जाता है। जब आप डाउजिंग कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि डाउजिंग वर्क्स व्हेन यू आर बीइंग इन प्रेजेंट, इज इट? ऑफ कोर्स, बीइंग इन प्रेजेंट का मतलब ये है कि आप सोच नहीं रहे, सोचते ही पास्ट का, सोचते ही फ्यूचर का। अगर सोच में दिमाग चला गया तो दिमाग प्रश्न में कहां रहा? दिमाग होना चाहिए प्रश्न के अंदर। इंटेंशन, दिमाग मतलब इंटेंशन। इंटेंशन अगर आपकी मेरे को सुनने की है तो आप मुझे सुनेंगे। इंटेंशन अगर ये है कि आपको किसी ने फोर्स कराया, जैसे आप देखते हैं ना कई बार माता पिता बोलते हैं बच्चों को, यार ये तुमने जरूर देखना है, अब वो जबरदस्ती बैठे होते हैं, उनका मन नहीं होता, इसलिए उनका लिसन वो करते नहीं, वो सिर्फ हियर कर रहे होते हैं, वो बैठे हुए हैं क्लास के अंदर बस, और दिमाग उनका व्हाट्सएप मैसेज के अंदर अपनी प्रियसी के साथ चल रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, उसी से इंटेंशन होती है, और इंटेंशन ही नहीं तो हम ढूंढ के कहां सबकॉन्शियस से लेके आ पाएंगे, ढूंढ के हमें ही लाना होता है। ये सिर्फ बताता है, उसको रीड कर देता है। अगर ये ना भी हो, मैंने आपको बताया पेंडुलम, तो भी रीडिंग करी जाती है। तो फिर जिसने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था, यू आर आप अपना हाथ हिला रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ हाथ क्या, तो मेरी तो बॉडी भी हिल रही है। मैं बॉडी हिलने से भी बता देता हूँ कि प्रश्न का उत्तर क्या है, हमें पेंडुलम की जरूरत ही नहीं पड़ती आगे चल के। और फिर उसके बाद जब इंट्यूशन प्रगाढ़ हो जाती है, जैसे कोई अभी शुरू में टैरो रीडर थी, शिवानी जी टैरो रीडर थी, आगे चल के किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि अरुण कुमार जी ने कहा था, आपकी छठी इंद्रिय इंट्यूशन जागृत हो जाती है, और जब इंट्यूशन जागृत हो जाती है तो आंखें बंद करके आदमी कहता है बच्चे तेरा काम हो जाएगा, और काम हो जाता है। इस तरह की चीजें भी तो हमारे यहाँ इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी में होती है, तो वो कैसे? लेकिन उसका मार्ग भी अगर प्रशस्त होता है तो वो टैरो के जरिए, वो डाउजिंग के जरिए भी प्रशस्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो और कोई प्रश्न है तो पूछिए। एक लास्ट प्रश्न लेते हैं फिर चलेंगे। फाल्गुनी गुसार जी। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि हम जब ड्राउजिंग करने बैठते हैं तो हमारे मतलब बैक साइड में कुछ कोई आना जाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ रूल है क्या? क्योंकि रेकी में मैंने ये सीखा था, मतलब आपसे नहीं बट मैंने जब रेकी कोर्स किया है ना, तो उसमें हमें बताया गया कि हमें एक दीवार से लग के बैठना है कि हमारी बैक साइड से कोई आ जा ना पाए, और हमें सुरक्षा कवच बनाना है हमारे सर्कल में, मतलब हमारे आस पास। तो वैसे ड्राउजिंग में भी ऐसा कोई रूल है कि हमारे पीछे से मतलब कोई आ जा ना सके, ऐसा कुछ है?
जी या कोई दिशा फिक्स है कि कोई दिशा में ही हमें बैठना है या ऐसा कुछ है? मतलब आप म्यूट कर ले, मैं बताता हूं। पहली बात तो ये कि अभी चर्चा हुई ही नहीं कि डाउजिंग करनी कैसे है। आज तो सिर्फ चर्चा यहां तक हुई कि डाउजिंग है क्या, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे। पर मुझे अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा, इसका मतलब ये है कि भाई इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट से बात करने में मजा ज्यादा आता है। जब हम बात करते हैं ऐसे जगत में प्रवेश की जिस जगत के अंदर दिखता ना हो, जो स्थूल जगत ना हो के सूक्ष्म जगत की बात हो, जो फिजिकल ना हो के मेटाफिजिकल की बात हो, जो एनर्जी वर्ल्ड की बात हो, जो घूम रहा है वो नहीं जो घुमा रहा है उसकी बात हो, तो कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम जिनसे बचना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अगर 10 मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं तो कोई ना कोई ये फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अगर बहुत बड़े कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है। और कई बार कई लोग जो टावर्स के पास रहते हैं, मोबाइल टावर्स के पास, जो रेडियो टावर्स के पास रहते हैं, उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग उन तरंगों से जो वहां से निकल रही है, तरंगे मींस एनर्जीज, एनर्जीज मेजर्ड इन वेव्स, वेव्स का मतलब तरंगे, उससे उनको सेंसिटिविटी होती है, दिक्कत होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप पेंडुलम को हिला रहे हैं, हो सकता है कि पेंडुलम उन वेव्स से कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, अफेक्ट ना हो, इसको फर्क ना पड़े। वो फर्क ना पड़ने के चक्कर में एक गुरु ने आगे दूसरे को जो बात बताई, उसने आगे जो तीसरे को बताई, उसने जो आगे चौथे को बताई, ऐसे चलती चली जाती है। बेस्ट तरीका होता है खुद टेस्ट कर लेने का, लेकिन वो लेवल तब आता है जब पहले आप पूरे बिलीफ के साथ सीखें जो दूसरा कह रहा है, और बाद में सारे बिलीफ्स को हटा दें और खुद टेस्ट करना शुरू कर दें। अगर पहले बिलीफ से नहीं सीखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, और अगर बाद में बिलीफ्स को पकड़ रखेंगे तो एक्स्ट्रा बिलीफ्स आपके दिमाग पे बोझा बन के पूरी जिंदगी भर रहेंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे दीवार है कि थोड़ा खालीपन के बाद दीवार है, मेरे एक्सपीरियंस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हमने कुछ चर्चा करी डाउजिंग के जगत के बारे में कि ये जगत क्या है, इसके अंदर प्रवेश कैसे करा जाए, पेंडुलम को कैसे ट्रेन करा जाए। लेकिन आप में से कई लोगों के पास हो सकता है पेंडुलम ना हो, तो कल हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि पेंडुलम कैसे बनाया जाए, और फिर उसके बाद ये कैसे चलाया जाए, और फिर उसके बाद इससे प्रश्नों के कैसे उत्तर लिए जाएं जो हमारी जिंदगी के अंदर कुछ यूजफुलनेस का किरदार अदा करें, ताकि हमें इस कोर्स से लाभ हो और हमारे आसपास वालों को भी हम कुछ लाभ पहुंचा के अपने जीवन और उनके जीवन में आनंद का उद्घोष कर सकें। आप लोग मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा इसी समय मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा, जरूर आइएगा, और जब आए तो वीडियो ऑन रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।